हाय गाइस, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चे, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में क्लास 8 का चैप्टर द सेल्फिश जायंट, दैट इज द थर्ड चैप्टर। तो चलिए, ये कहानी जो है मैं आपको बता देती हूँ, एक जायंट की कहानी है जो कि काफ़ी शुरू में बहुत क्रूअल हुआ करता था, एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरा वीडियो में बने रहना है। इवन जो बच्चे क्लास 8 के भी नहीं है और वीडियो गलती से भी लग गया है ना, तो कहानी ज़रूर सुनना, बहुत मज़ा आएगा आपको ये कहानी सुनने में। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द चाइल्ड्स गार्डन। हर आफ्टरनून में, यानी कि हर दोपहर में, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आ रहे होते थे, द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द चाइल्ड्स गार्डन। बच्चे क्या करा करते थे, यूज टू मतलब ऐसा किया करते थे, क्या करते थे, गो एंड प्ले इन द चाइल्ड्स गार्डन, जाते थे और चाइल्ड के गार्डन में खेला करते थे। हर एक लाइन पढ़ना, अच्छे से मार्क करके रखना अपनी बुक में भी, क्योंकि बहुत इस तरह के MCQ क्वेश्चंस, वन वर्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत आने लगे हैं। इवन अगर हम देखें, नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी यही है कि आपके छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, MCQ ज़्यादा आएंगे, तो फिर आप लोग हर बारीकी पर ध्यान रखिएगा। इवन इस वीडियो के बाद आप लोगों के लिए 2 MCQ के सेट मैंने बनाए हैं, वो मैं आपको डालने वाली हूँ और क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो क्या होता था, हर आफ्टरनून में दे वर कमिंग, दे मतलब यहाँ पर कौन है, दे हैं यहाँ पर बच्चे। ठीक है, तो बच्चे क्या होता था, स्कूल से आ रहे होते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो, बच्चे जाया करते थे, प्ले किया करते थे, कहाँ पर, जाइंट के गार्डन में। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, गार्डन कैसा था, क्वेश्चन बन के आ सकता है, वॉज द गार्डन, इट वॉज अ लार्ज एंड लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, एक बहुत सुंदर बड़ा सा प्यारा सा गार्डन था जिसमें की थी सॉफ्ट हरे रंग की घास। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ हर तरफ मतलब ओवर द ग्रास, घास के ऊपर होते थे बिछे हुए फूल, जैसे सितारे होते हैं ना, सितारे आसमान में बिखरे होते हैं, ऐसे ही फूल जो थे वो पूरे गार्डन में बिखरे हुए होते थे। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास, ग्रास के ऊपर होते थे ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर आड़ू के होते थे 12 पेड़। ठीक है, पीच ट्रीज यानी आड़ू के पेड़, देयर इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन टू डेलीकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल। और क्या होता था, पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम, और स्प्रिंग टाइम में क्या होता था, वो ब्रोक आउट हो जाते थे, खुल जाते थे, इन टू डेलीकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल। ठीक है, अब क्या होता था, इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ऑटम में क्या होता था, वहाँ पे रिच फ्रूट आ जाते थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस सीजन में क्या होता था। पहली बात, स्प्रिंग टाइम में होता था ब्रोकआउट क्या चीज़, डेलिकेट ब्लॉसम पिंक एंड पर्ल। ठीक है, तो बन जाते थे पिंक और पर्ल कलर के फूल। अब होता था ऑटम में क्या होता था, वहाँ पे आते थे रिच फ्रूट्स। ठीक है, अब द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली, तो बर्ड्स होती थी वो कहाँ बैठती थी, ट्रीज पर बैठती थी और गाती थी बहुत ही स्वीटली, एंड द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। अब बच्चों को ना चिड़िया का गाना इतना अच्छा लगता था, वो चिड़ियों के गानों को सुनने के लिए क्या करते थे, वो अपना गेम खेलना रोक देते थे और फिर वो उसको आराम से, चिड़ियों को चहचहाट जो थी उनकी वो सुना करते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ कितने खुश हैं, दिख राइट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि देखो हम यहाँ कितने खुश हैं। वन डे द जायंट केम बैक, लेकिन एक दिन कहानी में आता है ट्विस्ट। तो क्या होता है उस दिन जायंट आ जाता है वापस, जायंट केम बैक, ही हैड बीन विजिट टू हिज फ्रेंड द कॉर्निश शुगर, वो कहाँ गया हुआ था, वो कॉर्निश शुगर के घर गया हुआ था। कॉर्निश शुगर का मतलब यहाँ पर है एक नरभक्षी से, वो राक्षस का दोस्त, राक्षस ही होना है, तो फिर पता है वहाँ पर वो गया हुआ था, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वो कितने साल के लिए गया था, वो 7 साल उसके साथ रहा था। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वापस आता है, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, वो देखता है कि उसके गार्डन में जो है वो बच्चे खेल रहे होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, ग्रफ मतलब एकदम ककर्श, मैं आपको बोल के दिखा रही हूँ ना, थोड़ा सा ऐसे हार्ड तरीके से बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, बच्चे बेचारे छोटे से भोले से वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग जो दिए होते हैं ना, इन्हें बहुत ध्यान से कर लेना, MCQ में भी पूछा जा सकता है, जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्निश शुगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रफ, इस तरीके से क्वेश्चंस शॉर्ट में भी बन के आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। माय ओन गार्डन इज माय ओन गार्डन सेड द जायंट, मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है, जायंट ने कहा। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हु सेड दिस लाइन, माय ओन गार्डन इज माय ओन गार्डन, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से कि भाई मेरा गार्डन सिर्फ मेरा गार्डन है, ये कौन कहेगा, गार्डन था किसका, एक्चुअली गार्डन तो जायंट का ही था। एनीवन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी इस बात को समझ सकता है, दैट मतलब होता है कि आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले, मैं किसी को भी खेलना नहीं अलाउ करूंगा, इन इट मतलब अपने, इन इट किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, गार्डन के लिए,
बट कौन अलाउड है यहाँ पर, बट माई सेल्फ, सिर्फ मैं यहाँ पर अलाउड हूँ, सिर्फ मैं यहाँ रह सकता हूँ, ठीक है। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट, उसने क्या कर दिया, उसने एक बड़ी सी दीवार वहाँ पर, ऊंची सी दीवार जो है वो बना दी, एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया, क्या लगा दिया, एंड ट्रांसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अगर कोई यहाँ पर बिना परमिशन के आता है, एक तरीके से जो अतिक्रमण होते हैं ना, अतिक्रमण कौन करता है, जो मतलब बिना परमिशन के आपकी प्रॉपर्टी में आ जाता है, तो उनको क्या होगा, प्रोसिक्यूटेड, मतलब उनको दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, तो हाउ वॉज द जाइंट क्वेश्चन निकल के आता है, या फिर वॉट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हाउ वॉज द जाइंट, हमें पता चल गया कि सेल्फिश था बहुत ज़्यादा, अपनी चीज़ किसी से बांटना ही नहीं चाहता था, बेचारे बच्चे उसके गार्डन में खेल ही तो रहे थे, लेकिन वो था बहुत ही सेल्फिश। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो नाउ नो वेयर टू प्ले, बेचारे बच्चों के पास कोई जगह ही नहीं थी खेलने की, दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने कोशिश की कि चलो रोड पे खेलते हैं, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, लेकिन रोड तो पूरी धूल से भरी हुई थी, हार्ड स्टोन से भरी हुई थी, एंड दे डिड नॉट लाइक इट। अब बच्चों को तो ऐसी रोड नहीं समझ आ रही थी ना, वो तो कितने ब्यूटिफुल गार्डन में खेलते थे, जहाँ फूल जो थे वो पूरे बिखरे होते थे सॉफ्ट ग्रास के ऊपर, ठीक है, सितारों की तरह, लेकिन आप बेचारे बच्चे अब क्या करें, दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स, बेचारे घूमते रहते थे, वो जो हाई वॉल्स उसने बना दी थी ना जाइंट ने गार्डन के आसपास, तो वो उसी के किनारे किनारे बस ऐसे ही वहीं पर ही घूमते रहते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनकी लेसन, जैसे पढ़ाई कर रहे हो आप, पढ़ाई कर रहे हो, आपका लेसन ओवर हो गया, तब शाम को खेलने जाते हो, वैसे व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके लेसन पूरे हो जाते थे, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, तो वो बातें करते थे उस ब्यूटीफुल गार्डन की, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे। आप देख रहे हो दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट उन्होंने तब कहा था कि हम यहाँ कितने खुश हैं, जबकि वो गार्डन में थे, तब उनकी मेंटल स्टेट एकदम डिफरेंट थी, लेकिन आज बेचारे कितने दुखी हैं, और आज भी बोल रहे हैं वो, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ कितने खुश थे, दे सैट टू ईच अदर, बेचारे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। देन द स्प्रिंग केम, फिर क्या होता है, स्प्रिंग का मौसम आता है, एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, तो पूरी कंट्री में क्या होते हैं, लिटिल ब्लॉसम्स खिल जाते हैं और लिटिल बर्ड्स भी आ जाती हैं, ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन जाइंट के गार्डन में अभी भी क्या होता है, विंटर का मौसम होता है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, बर्ड्स को कोई परवाह नहीं थी अब वहाँ पर गाने गाने की, एज देयर वर नो चिल्ड्रन, वहाँ पर कोई बच्चे नहीं थे, बर्ड्स को भी मतलब ये समझ में आ रहा था कि इस जाइंट ने कितना सेल्फिश है, इसने बर्ड को यहाँ से, बच्चों को यहाँ से भगा दिया है, तो बर्ड्स भी नहीं आ रही थी वहाँ पर, इन द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और ट्रीज भी एक तरीके से जाइंट से नाराज ही थे, और उन्होंने ब्लॉसम यानी कि फूलों का आना उस ट्रीज पर जो था वो बिल्कुल भूल ही गए थे। पेड़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हैड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक ब्यूटिफुल से फ्लावर ने क्या किया, अपना सर जो है वो ऐसे जैसे ज़मीन है, तो फ्लावर यहाँ से निकला तो सही, ये देखो ये निकल रहा है, लेकिन जैसे ही इसने देखा नोटिस बोर्ड, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ फॉर द चिल्ड्रन, किसके लिए दुखी था वो बेचारा फूल, वो बच्चों के लिए दुखी था, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, और फिर वापस से वो स्लिप करके कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वापस अंदर जाके धरती के सो गया, एक तरीके से फूल जो उगा उसने देखा कि भाई नोटिस बोर्ड लगा है बच्चों के लिए इस तरीके का कि वो अलाउड ही नहीं है अंदर आने के लिए, फूल वापस जमीन के अंदर चला गया, गुस्सा हो गया एक तरीके से। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड फ्रोस्ट, अब यहाँ पर दो ही लोग खुश थे, क्योंकि देखो सर्दी का ही मौसम था, विंटर ही चल रहा था, तो केवल स्नो और फ्रोस्ट जो थे, ठीक है, हिम और बर्फ जो थे वही वहाँ पर खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, और स्प्रिंग का सीजन तो जैसे कि भूल ही गया था इस गार्डन को, दिख राइड वो चिल्लाए, सो We will live here all the year round. अब देखो स्प्रिंग और स्नो और फ्रोस्ट को क्या लगा कि स्प्रिंग तो भैया यहाँ आना भूल गया, अब हमारा विंटर का सीजन ही चलता रहेगा और हम पूरे साल यहीं पर ही रहने वाले हैं, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड, हम पूरे साल यहाँ रहेंगे, मतलब एक तरीके से उनको तो मज़े आ रहे थे। द स्नो कवर्ड द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, अब यहाँ पर क्लॉक का मतलब क्या होता है, रजाई, ठीक है, मतलब एक चादर रजाई, इस तरह से क्या हुआ था कि घास जो थी वो पूरी की पूरी स्नो से भर गई थी, तो जैसे अगर देखो इस तरह से घास हो गया और इसके ऊपर पूरा स्नो 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 हो जाएगी, ऐसा लगेगा ना जैसे कोई चादर बिछी हुई है, तो इसी तरीके से हो गया था वहाँ पर, समझ गए ना। द स्नो कवर्ड द ग्रास विद ग्रेट वाइट क्लॉक एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रोस्ट के कारण क्या हो गया था, पूरे ट्रीज जो थे वो सिल्वर कलर के लगने लगे थे। अब बांध के देखो ना ऐसे, जैसे अब ये पेड़ है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं इस तरह से पूरा बर्फ 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 गिर जाएगी, बेचारा सिल्वरी कलर का तो दिखेगा इस तरीके से, भुरभुरी बर्फ तो पूरा उसके ऊपर आ गई और वो कैसा दिखने लगा था, एकदम सिल्वर कलर का। दैन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, अब इन्होंने क्या किया, फ्रोस्टेड स्नो ने किसको इन्वाइट किया था, क्वेश्चन में क्या आ सकता है,
नॉर्थ विंड को, उत्तरी हवाओं को। उत्तरी हवाएं जो होती हैं वो बहुत ही ठंडी होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। अब इन्होंने इन्हें भी इनवाइट कर लिया टू स्टे विद देम कि भाई आओ और हमारे साथ रहना। एंड ही केम। अब ही यहाँ पर देखो पर्सोनिफिकेशन का काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि ही एक नॉन लिविंग के लिए एज अ लिविंग यूज़ कर रहे हैं वो। नॉर्थ विंड कोई लिविंग तो है नहीं, तो ही यूज़ कर रहे हैं एक नॉन लिविंग के लिए एज अ लिविंग। अब एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। अब क्या हुआ था, जो चिमनी के पॉट था ऊपर लगा हुआ था उसको भी उसने मोड़ दिया था, इतनी तेज हवाएं थी वो। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। अब ही सेड, ये देखो क्वेश्चन बन के आ सकते हैं यहाँ से, किसने कहा ये दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट? किसने कहा था ये? नॉर्थ विंड ने कहा था। यहाँ ही कौन है? नॉर्थ विंड। अब नॉर्थ विंड को लगा है भाई ये तो बड़ा मजेदार प्लेस है, वी मस्ट आस्क हेल टू विजिट। ठीक है, हेल अना विजिट हम कहते हैं, चलो हेल को भी बुला लेते हैं यहाँ पर। वी मस्ट मतलब कहना ही चाहिए, हेल यानी कि ओलो से अना विजिट की भैया तुम भी आओ यहाँ विजिट करो। सो द हेल केम। अब एक तरीके से ओले भी यहाँ पर आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ एंड द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। अब क्या होता था, खेल यानी कि ओले पड़ते थे कम से कम 3-3 घंटे तक वहाँ पर एवरी डे फॉर 3 hours, 3-3 घंटे ओले पड़ते रहते थे। और जो रूफ के खपर वगैरह थे, छत थी उसकी, वो मोस्टली ब्रेक डाउन हो चुकी थी, मतलब टूट गई थी। एंड देन ही रन अराउंड राउंड एंड गार्डन एज फास्ट एज ही कुड। भागती थी हवाएं इस तरीके से, हेल घूमते रहते था, मतलब हेल आता रहता था, ओले पड़ते रहते थे राउंड राउंड ग्रास में जितने फास्ट वो गिर सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रे कलर के होते थे। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, उनकी सांसें ऐसी होती थी टक 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 जैसे कि आइस होती है। मतलब आपको पता ही है ना, हेल ओले बर्फी तो होता है एक तरीके से। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। अब कौन कह रहा है ये लाइन की, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वाई, क्यों द स्प्रिंग इज सो लेट इनकमिंग। भाई स्प्रिंग का सीजन क्यों नहीं आ रहा, किसको समझ नहीं आ रहा ये? ये कहता है जायंट, सेल्फिश जायंट। ठीक है, अब जायंट को समझ नहीं आ रहा भाई, बाहर तो सब जगह स्प्रिंग सीजन आ गया है लेकिन जो मेरा ही गार्डन है उसमें स्प्रिंग का सीजन नहीं आ रहा है, यहाँ केवल विंटर ही है। एज ही सैट एट द विंडो, जब वो बैठा विंडो के पास एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, जब उसने देखा अपने कोल्ड बिल्कुल ठंडे सफ़ेद रंग के गार्डन को, सफ़ेद क्यों था वो, जो वहाँ पे स्नो थी उसके कारण। ठीक है, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। मुझे लग रहा है, मतलब ये किसने कहा था, देखो हु सेड टू हुम ये सब याद रखना कि जायंट ही अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है देयर विल बी अ चेंज इन अ वेदर, कि भाई कोई चेंज हो गया लग रहा है वेदर में। उसको समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली कि वो क्या रहा है ये। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग कभी आया ही नहीं, नॉर द समर, ना ही वहाँ पर गर्मियों का सीजन आया, बस ठंडी चलती रही उसके यहाँ तो विंटर ही रहा। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम ने दिए गोल्डन फ्रूट हर एक गार्डन को, बट टू द जायंट्स गार्डन शी वॉज नन, शी गेव नन, उसने कुछ भी नहीं दिया, जायंट के गार्डन में फ्रूट्स ही नहीं आए। ही इज टू सेल्फिश शी सेड। अब ये देखो ये किसने कहा, ही इज टू सेल्फिश, ये ऑटम ने कहा, सीजन ने कहा एक तरीके से। ठीक है, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। अब वहाँ पर हमेशा कैसा सीजन रहा, विंटर रहा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। अब ये चारों के चारों बस यही नाचते रहते थे वहाँ पर। कौन कौन नाचते थे? द फ्रोस्ट, द स्नो, द विंड, द ठीक है, और द हेल, यही सब नाचते रहते थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन बैड, एक दिन क्या हुआ, जाइंट जो था वो अपने बेड से उठा है। वेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, उसको ना कुछ बड़ा लवली सा म्यूजिक सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था टू हिज ईयर्स, उसकी कानों को। दैट ही थॉट, उसने सोचा दैट इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, कि उसको लगा कि लगता है राजा के जो म्यूजिशियंस हैं ना वो वहाँ से गुजर रहे हैं, तभी इतना अच्छा म्यूजिक उसको लग रहा था। इट वॉज रियली ओनली लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, तो एक चिड़िया जो थी वो गा रही थी उसके विंडो के बाहर, मतलब कोई म्यूजिशियंस नहीं आए थे। उसको लगा कि किंग के म्यूजिशियन हैं वो वहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ लिनेट का सिंगिंग था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, बहुत टाइम बाद उसने सुना था कोई बर्ड उसके गार्डन में गा रही है। दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, अब उसको लग रहा था ये जो म्यूजिक है ये संसार का सबसे अच्छा म्यूजिक है जो उसने आज तक सुना। दैन द हेल स्टॉप, हेल रुक जाती है, यानी कि ऐसे म्यूजिक को सुन के उस समय क्या हुआ, जो हेल था जो ओले थे वो स्टॉप हो जाते हैं। अब यहाँ से ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल जो थी वो स्टॉप हो जाती है डांसिंग ओवर हिज हेड, मतलब ओले नहीं पड़ रहे अब उसके सर पर, छत पर जैसे पड़ रहे थे ना। एंड नॉर्थ विंड सीज रोरिंग, अब रोरिंग धाड़ रही थी, जो हवाएं जोर जोर से आवाज़ों के साथ हो रही थी आ रही थी वो भी बंद हो जाती है। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, एकदम ऐसे सुगंध आ रही होती है उसको बाहर खिड़की से, ओपन इज केसमेंट, मतलब वहाँ से खिड़की जो केसमेंट होता है एक तरीके से, ऐसे जैसे विंडो होती है ना इस तरह की, वो दरवाजे वाली।
ठीक है, अब खोलोगे तो पूरा का पूरा दरवाज़ा ऐसे खुल जाएगा। तो दोनों दरवाजे उसने खोले, वहाँ से उसको बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। आई बिलीव द स्प्रिंग इज कम एट लास्ट, और वो इतना खुश हो गया, उसको लगा कि यार स्प्रिंग का सीजन आ गया लगता है मेरे यहाँ भी। द जाइंट जाइंट ने बोला एंड ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड, वो बेड पे से जंप कर गया, कूद गया एंड लुक्ड आउट, उसने बाहर की तरफ देखा। मीनिंग फिर कह रही हूँ, अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। अब आ गया जो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको आगे वाली वीडियोस में देने वाली हूँ, तो बने रहना चैनल पर, आपको सब कुछ यही मिलेगा। अब ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट, ये सेकंड पार्ट है इसी का ही। अब उसने देखा था सबसे खूबसूरत दृश्य, दो अ लिटिल होल, क्या हुआ था, थ्रू अ लिटिल होल, एक लिटिल होल हो गया था वॉल के अंदर, दीवार के अंदर एक छेद हुआ एंड द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन, और उसके अंदर से चिल्ड्रन जो थे वो अंदर आ गए एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। वो बच्चे कहाँ बैठे थे, देखो ब्रांचेस पर बैठे हुए हैं वो बच्चे, पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए हैं। इन एवरी ट्री, हर ट्री पर, दैट ही कुड सी, वो देख सकता था जिस भी पेड़ को, देखो सर लिटिल चाइल्ड, वहाँ कौन बैठा था, हर ब्रांच पर एक लिटिल चाइल्ड बैठा हुआ था, एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, अब पेड़ भी बहुत खुश हो गए टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, पेड़ों को लगा कि अरे वाह बच्चे वापस आ गए। अब पेड़ भी जो थे वो बहुत खुश हो गए, दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स, और उन्होंने फूलों से अपने आप को भर लिया एंड दे वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, हवाएं चलने लगी और जो ब्रांचेस थी वो हिलने लगी अबव द चिल्ड्रंस हेड। ठीक है, एक तरीके से यही हो रहा था कि पेड़ों की जो शाखाएं थी वो भी खुशी से झूम रही थी, ये मतलब होता है इसका। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग विद डिलाइट, बर्ड्स जो थी वो उड़ रही थी और क्या रही थी, चहचहा रही थी डिलाइट यानी कि खुशी से। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, अब फ्लावर्स जो थे वो भी बाहर निकल आए ग्रीन ग्रास से एंड लाफिंग, और हंसने लगे। इट वॉज अ लवली सीन, ये बहुत ही सुंदर दृश्य था, बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर, बस केवल वो क्या रहा था, अब यहाँ पढ़ो, यहाँ इंपॉर्टेंट है। ओनली इन वन कॉर्नर क्या हुआ, इट वॉज अ स्टिल विंटर, लगा देखा तो एक कॉर्नर में सिर्फ विंटर ही थी अभी भी। It was the farthest corner of the garden. ये बहुत ही दूर का कोना था गार्डन का। And in it, वहाँ क्या हुआ, was standing a little boy. वहाँ एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। He was so small, वो बहुत छोटा था, that he could not reach up to the branches of the tree. अब देखो सारे बच्चे तो branches पर चढ़े हुए थे, लेकिन ये बच्चा बड़ा छोटा सा था और ये किसी भी branch पर चढ़ नहीं पा रहा था tree के। And he was wandering all around it, crying bitterly, और वो बेचारा इधर उधर घूम रहा था और बहुत बुरे तरीके से रो रहा था क्योंकि वो branch पर चढ़ नहीं पा रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, और वो बेचारा पेड़ जिसके पास वो बच्चा खड़ा था वो अभी भी भरा हुआ था फ्रॉस्ट और स्नो से। ठीक है, एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, उस पर नॉर्थ विंड भी बहुत जोर जोर से चल रही थी, बहुत जोर से आवाज़ कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री, ये किसने कहा है, क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ध्यान रखिएगा, ये कहा था ट्री ने कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट वेंट इट ब्रांचेस डाउन, उसने अपनी ब्रांचेस को भी डाउन किया, जैसे ये पेड़ होगा जिसने अपनी ब्रांचेस को इस तरीके से थोड़ा डाउन किया होगा बच्चे के लिए। ठीक है, इसने ब्रांचेस को ऐसे थोड़ा डाउन किया कि भाई चढ़ जाओ, बट क्या हुआ, बट द बॉय वॉज टू टाइनी, बच्चा तो बहुत ज़्यादा छोटा था, वो जो लड़का था ना वो टू टाइनी का मतलब होता है TWO, मतलब बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा ही छोटा था, वो चढ़ ही नहीं पा रहा था। एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, अब जाइंट जो था वो बदल चुका था। ठीक है, तो उसका जो हृदय था वो मेल्ट हो गया था, मतलब दिल पिघल जाना जिसे कहते हैं ना भाई, किसी को देख के बिल्कुल दया आ गई थी उसको, एकदम मेल्ट हो गया था वो एकदम। ठीक है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश था, ही सेड, उसने कहा, नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ, व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, क्यों स्प्रिंग यहाँ नहीं आई थी, आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, तो मैं करूँगा, मैं इस बच्चे को क्या करूँगा, ट्री के ऊपर चढ़ाऊंगा एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, मैं वॉल को नीचे खींच लूंगा एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, अब क्या करूँ, सॉरी मैं वॉल को नीचे खींच नहीं लूंगा, मैं वॉल को क्या करूँगा, तोड़ ही दूंगा और बच्चे जो हैं वो प्लेग्राउंड में आ सकते हैं फॉर एवर एंड एवर, हमेशा के लिए बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो बड़ा दुखी था एक्चुअली, उसको बड़ा पछतावा सा हो रहा था कि भाई मैंने कितना बुरा व्यवहार किया इन बच्चों के साथ। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स, वो नीचे की तरफ जाता है एंड ओपन्ड द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और सॉफ्टली वो सामने का जो दरवाज़ा होता है उसके गार्डन का उसको खोल देता है। अभी तो बच्चे क्योंकि कहाँ से आए थे, होल में से आ गए थे दीवार की, समझ रहे हो, अब उसने दरवाज़ा खोल दिया एंड वेंट आउट इन द गार्डन। अच्छा, अब क्या होता है, गार्डन से वो चला जाता है। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्रिटेंड, लेकिन जैसे ही बच्चे इस जायंट को देख लेते हैं वो तो फिर से डर जाते हैं एंड दे ऑल रैन अवे, सारे के सारे बच्चे भाग जाते हैं, मतलब उनको तो एकदम ऐसे राक्षस सा दिखाई देता है ना, तो वो डर जाते हैं, वो सारे भाग जाते हैं। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, अब जैसे ही बच्चे जाते हैं फिर विंटर में गार्डन वो हो जाता है, विंटर आ जाता है गार्डन में। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, अब देखो लिटिल बॉय जो होता है ना बस वही नहीं जा पाता वहाँ से, क्यों, क्योंकि उसकी आंखें भरी होती हैं आंसुओं से एंड ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, वो देख ही नहीं पाता, आंखों में इतने आंसू होते हैं कि उसको दिखाई नहीं देता कि जाइंट उसके पास आ रहा है, तो जब देखा ही नहीं तो वो डरेगा कैसे, डरा ही नहीं तो वो जाएगा क्यों, समझ रहे हो। एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम
एंड टुक हिम. अब उसके पीछे जाता है, खड़ा होता है और उसको क्या करता है, जेंटली उसको अपनी आर्म्स में उठा लेता है एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, उसको ट्री पर चढ़ा देता है. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम. अचानक से क्या होता है, पेड़ पे एकदम से ब्लॉसम हो जाते हैं, मतलब खिल जाता है पेड़, एकदम फूल वूल आ जाते हैं उसमें. एंड द बर्ड्स केम, बर्ड्स भी आ जाती हैं एंड सैंग ऑन इट, उस पर गाने लगती हैं. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, जो बच्चा होता है वो अपनी पूरी बाहें फैला लेता है एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक, और एकदम जैसे लटक जाता है ना, वो जायंट के नेक पे लटक जाता है एंड किस्ड हिम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, कि वो जो बच्चा होता है वो फिर उसको क्या करता है, उसकी बाहों में उसको मतलब गले लगाता है, किस करता है जायंट को, उसको बड़ा अच्छा लगता है जायंट. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ, जब दूसरे बच्चे ये सब देख रहे होते हैं ना, द जायंट वॉज नॉट वेक्ड एनी लॉन्गर, बोलता है इतना राक्षस इतना दुष्ट तो अभी नहीं रहा ये. और फिर क्या करते हैं, रनिंग बैक और वापस भाग के आ जाते हैं विद देम एंड केम द स्प्रिंग. अब एक तरीके से क्या होता है, जैसे ही बच्चे वापस आते हैं तो स्प्रिंग का सीजन भी वापस आ जाता है उनके साथ. इट इज़ योर गार्डन नाउ, जायंट बन गया है बहुत ही अच्छा वाला. ठीक है, वो बच्चों से कहता है अब ये, सॉरी 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 बच्चा,